इस वक्त आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से, मैं आपके साथ सिमर। जिस तरीके से पूरे देश और प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और कोरोना गाइडलाइन का भी पालन किया जा रहा है, जिस तरीके से कोरोना चल रहा है और अभी भी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, तीसरी लहर आने की भी संभावना है, जिसके चलते ये निर्देश दिए हैं कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाए, जिसके पश्चात सभी देश प्रदेश में बड़े हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, वो भी कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए। वहीं मैं आपको बता दूं कि नीमच में भी जो है इसी तरीके से कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए स्वतंत्रता दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सीआरपीएफ की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर बड़े ही खूबसूरत तरीके से सब कुछ सजाया गया है और वहां पर कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है और सभी सोशल डिस्टेंसिंग में भी बैठे हुए हैं। और उसके पहले जो है सीआरपीएफ डीआईजी महेंद्र कुमार ने वहां पर पहले कार्यक्रम को संबोधित किया, उसके तत्पश्चात ध्वजारोहण डीआईजी महेंद्र कुमार ने ही किया है सीआरपीएफ में, और उसके बाद भी उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया और कई बातें कही है, और उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए जो बातें कही वो आप खुद सुनिए। सर्वप्रथम तो मैं आप सभी मीडिया पर्सनल्स जो एक प्रचार प्रसार और जो मतलब यहाँ आप उपस्थित हुए, तो मैं 75वां स्वतंत्रता दिवस जो आज एक पावन दिवस है और नीमच की धरा के ऊपर जो सीआरपीएफ का जन्मस्थली है, तो आप सबको बधाई देता हूँ। और आज का जो ये आयोजन है ये जो एक विशेष महत्व रखता है, क्योंकि हमारे शीर्ष नेतृत्व के द्वारा जितने भी विशेष कार्यक्रम जो हैं जब भी हमें अलॉट किए जाते हैं, जैसे कि फिट इंडिया प्रोग्राम के तहत 2.0 किलोमीटर रन 13 तारीख से ऑनवर्ड, उसके अलावा जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव, उसके अंदर भी भागीदारी की जा रही है। और आज का दिवस सीआरपीएफ नहीं पूरे देश में ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। जैसा कि विदित है कि 14 अगस्त रात को जब हम आज़ाद हुए तो विजय चौक के ऊपर एक जश्न जो हमारे पूर्वजों के द्वारा मनाया गया, और हम हर वर्ष आज 74वीं वर्षगांठ और 75वां दिवस आज जो है हम भव्य समारोह के साथ जो गार्ड ऑफ ऑनर और सलामी और राष्ट्र के ध्वज को सलामी जो दी गई हमारे बीच में, आज जो है हर रैंक एंड फाइल है और जो सेवा से निवृत्त हो चुके हैं हमारे पूर्वज वो भी हमारे बीच में आज उपस्थित हैं, क्योंकि इसके ऊपर जो है हमारे शीर्ष नेतृत्व के निर्देश में ही हम कार्य करते हैं। यहाँ पे जो मॉडलिटी है वो आप सबको विदित है कि प्रशिक्षण केंद्र है, ग्रुप सेंटर है, रेंज है, और विशेष ट्रेनिंग के संबंध में ही इस धरा के ऊपर जो है CTC है स्पेशली, और CTC के अंदर जो हमारे पूर्वज हैं और हमारे सीनियर हैं और हमारे गाइड जो करने वाले हैं वो श्री भूपत सिंह चौहान IGP प्रचार्य, उनके द्वारा CTC का नेतृत्व किया जाता है और उनके कमांडेंट भी अविनाश जी आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। क्योंकि शीर्ष नेतृत्व का जब भी हमें जो है डायरेक्शन और दिशा निर्देश मिलता है उसी के आधार पर, चाहे वो समाज के कार्य के लिए एक विशेष CAP प्रोग्राम के द्वारा वो एक मर्जर ही रहता है, लेकिन चाहे वो राशन वितरण हो, चाहे मेडिकल से संबंधी जो भी हमें निर्देश दिया जाता है शीर्ष नेतृत्व, तो जो दिल्ली डायरेक्टरेट गृह मंत्रालय और भारत सरकार के द्वारा जो आदेश दिए जाते हैं, निर्देश दिए जाते हैं, उन्हीं के ऊपर कार्रवाई की जाती है। देश के राष्ट्र के निर्माण में CRPF की एक अहम भूमिका है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे NE हो, चाहे J&K क्षेत्र हो, चाहे VIP सिक्योरिटी हो, तो देश के निर्माण में हमेशा जो है तत्पर रहते हैं और शौर्य से काम किया जाता है। तो ये था इस वक्त का अपडेट कि नीमच में भी जो है CRPF में किस तरीके से ध्वजारोहण किया गया, स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, आपने उसकी लाइव तस्वीरें देखी है, और ये पूरी खबर हमारे चीफ रिपोर्टर दीपक खताबिया ने नीमच से दी है। जैसा कि आपने इस अपडेट में जाना, ऐसे हर वक्त हर छोटी से बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। जय भारत।